केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। 100 किलो से ज्यादा पोटेशियम क्लोरेट गौरव गुप्ता खरीदकर लोहिया नगर स्थित फैक्ट्री में लाया था। यह पोटेशियम क्लोरेट बेहद ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ है। इसका इस्तेमाल गौरव गुप्ता द्वारा टॉय गन में इस्तेमाल होने वाले कारतूस में भरकर किया जा रहा था। पोटेशियम क्लोरेट में आग लगने से ही यह धमाका हुआ, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवान ने कहा कि टॉय गन में इस्तेमाल होने वाले कारतूस में इसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा कि वहां पटाखे बनाए जा रहे थे। टॉय गन के कारतूस से भी दिवाली के मौके पर धमाके किए जाते हैं। 5 लोगों की मौत का कारण बनी इस घटना को 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन बिल्डिंग मालिक संजय गुप्ता को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पटाखों से विस्फोट की बात तो पुलिस व प्रशासन पहले से ही नकारता आ रहा है। दरअसल 17 अक्टूबर की सुबह मेरठ के लोहिया नगर में एक 2 मंजिला बिल्डिंग में 2 विस्फोट हुए थे। पहले विस्फोट में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाद में 5वें घायल ने भी दम तोड़ दिया था। कुछ ही देर बाद हुए दूसरे विस्फोट में एक सिपाही घायल हो गया था। इस घटना में मारे गए लोगों के अलावा 5 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। बिल्डिंग में चारों तरफ टॉय गन में इस्तेमाल होने वाले कारतूस बंडल के रूप में बोरियों में भरे हुए थे, लेकिन पुलिस व प्रशासन उन्हें पटाखे मारने से लगातार इनकार करता रहा। इस बिल्डिंग में साबुन फैक्ट्री चलाने वाले आलोक रस्तोगी को 2 दिन की हिरासत के बाद घर जाने दिया गया था, जबकि गौरव गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभी इस कांड में आरोपित बनाया गया संजय गुप्ता पुलिस पकड़ से दूर है। इस बारे में मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवान ने मीडिया को यह जानकारी दी है। थाना लोहिया नगर के अंतर्गत एक 2 मंजिला एक मकान था, जिसमें कि धमाका हुआ था, जिसमें कि 5 जो मजदूर वहां कार्य करते थे उनकी दुखद इसमें मृत्यु हो गई थी। इसमें अभी तक की जो जांच, इसमें प्रथम दृष्टिया जो आया है, इसमें पता चला था कि वहां पे जो व्यक्ति हैं गुप्ता, उनके द्वारा यहां पर प्लास्टिक और रबर इंडस्ट्री के नाम से एक लाइसेंस वहाँ पे लिया गया था, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, और वहाँ पर ये प्लास्टिक्स का सामान बनाते थे। उनके यहाँ जो मशीनें हैं वो भूतल जो ग्राउंड वाले कमरे हैं वहाँ पे एक मशीन्स वहाँ पे रखी हुई थी, जो प्लास्टिक के पैलेट से वहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनाते थे। इसके अलावा इनका जब नुकसान होने लगा तो इनके द्वारा वहाँ पे कुछ डाई मंगाकर जो टॉय गन्स होती हैं उसका जो भार का कारतूस होता है प्लास्टिक का, उसको वहाँ पर निर्माण किया जाने लगा, और उस कारतूस में जो ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग उसको फायर करने के लिए किया जाता है, उस केमिकल को जो पोटेशियम क्लोरेट सामान्यतः होता है उसको मंगाकर उसमें फिल किया जाता था, और वहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में इनके द्वारा ऐसा वहाँ पर कार्य किया जा रहा था। और संभवतः क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ काफ़ी अधिक संख्या में, काफ़ी अधिक मात्रा में इनके द्वारा वहाँ पर खरीदा जा रहा था, और ये काफ़ी अगर ज़्यादा मात्रा में होता है तो एक साथ ये धमाका भी कर सकता है, तो उस वजह से प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि उस केमिकल की वजह से ये धमाका हुआ होगा, और इसमें अभी विवेचना चल रही है, और इसके सभी अन्य पहलुओं पर भी इसमें छानबीन की जा रही है। सर, ये जो केमिकल आप बता रहे हैं, ये केमिकल किस तरीके से बाजार में उपलब्ध होता है, उसकी उपलब्धता क्या है, और इसका बेसिकली इस्तेमाल किस लिए होता है? पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो विभिन्न प्रयोगशालाओं में भी उपयोग होता है, स्कूल्स कॉलेजेस की, और इसके अलावा इसका अन्य इंडस्ट्रियल उपयोग भी इसमें होता है, और क्योंकि ये हाईली ज्वलनशील होता है इसका अन्य चीज़ों में भी उपयोग होता है, और ये इसका उपयोग उसमें टॉय गन के जो कारतूस है उसमें भरकर उसमें जो फायर करने के लिए उसमें उपयोग किया जाता है। सर, ये पता लग पाया है कि कितना वहाँ पर इसकी क्वांटिटी रही थी? पूछताछ में बताया गया था कि 100 किलो से अधिक इसके द्वारा वो वहाँ पर खरीदा गया था एक केमिकल के दुकानदार से, और 100 किलो से अधिक वहाँ पर इसने वहाँ पे रखा हुआ था। सर, जिस तरह से आवासीय इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी, क्या और भी जगह पर जांच पड़ताल? हाँ, इसमें जो आवासीय क्षेत्रों में ऐसे कारखाने या ऐसे चीज़ें जो कि खतरनाक हो सकती हैं, जो हैजार्डस श्रेणी में आती हैं, इन सभी की सूची बना दी गई है, और ऐसी जो इतनी हैजार्डस और ख़तरनाक श्रेणी के कल कारखाने वहाँ पर चल रहे हैं आसपास में, उन सभी को बंद कराया भी गया है, और उसको संबंधित जो विभाग है उसको भी उनकी संज्ञान में डाला गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।